अर्गसर महाप्रभाव खबर प्रसारण पर चेतला प्रशासन आबे कहछो गंजाम जिला चिकिटी ब्लॉक डंकलपड़ूर डी शारदा रेड्डी कथा जे मेंडराजपुर बस ट्राजेडी गोड़ हरायथिले वर्तमान शारदा ठारे 1,60,000 टंकारे लागिला कृत्रिम गोड़ एथिपाई शारदा ट्रेनिंग दिया जाउछि 2 मासर ट्रेनिंग पर से सठिक भाव चली पारे 2020 मसीहा फेब्रुवारी 9 तारीख में कंकलपाड़ू गाँव बरगर लोके निर्बंध को बाहरी थिले रास्तारे मेंडराजपुर निकट में 11 kV विद्युत लगे बस रे लगे जा फल 12 जन मृत्यु होता 11 जन गुरुतर होते से शारदा पर शारदा 2 गोड़ काटि दि जाता किंतु वर्षे बीती जाते सुधा शारदा को कृत्रिम गोड़ मिल ना एने ग्राउंड जीरो रु बारंबार अर्गस खबर प्रसारण कर गत काली जिला भिन्नक्षम थैथान को अणा जा कृत्रिम गोड़ लग जा बर्तमान से ठिया हो पारे गोटे मसर अभ्यास पर से चलिए जमापड़े तेज संपर्कित तो अधिक सूचना पाई आम सहित तो ब्रह्मपुर फोन लाइन जोड़ प्रतिनिधि पीतांबर नायक पीतांबर एक खुशी खबर कहींपरिया कहीं अनेक दिन पर जी अच्छा जहाँ जहाँ सूचना रही कि डी शारदा रेड्डी को कृत्रिम गोड़ मिली जहाँ सूचना रही कि बर्तमान ट्रेनिंग दि जा निश्चित भाव कहीपरिया दीर्घ 1 वर्ष अपेक्षा पर जो भाव में शारदा को कृत्रिम गोड़ मिली कहीं घटना एमती थिला से लोमहर्षणकारी घटना थिला जो लोमहर्षणकारी गोटे शुभ कार्य आसिकी एत बड़ अशुभ अघटन सृष्टि जमती की सरकारी अधिकारी सरकारी जो कर्मचारी मान असावधानता जो 11 kV तार लगे कि जो भाव में गोटे पर गोटे जीवन जा बस 12 जन मृत्यु होता से 11 जन गुरुतर आहत होते से शारदा आ शारदा जिते बेले भाव से गुरुतर होते 2 गोड़ हर पड़ता जिते बेले कटक एसीयू मेडिकल को से चिकित्सा पाई जाते दुई गोड़ को काटि दि जाता परवर्त समय गोटे वर्ष बीती गला ना कौन साहय मिलला ना कौन सरकारी अधिकारी मान से गाँव में पहुंचले जिते बेले भाव आम पूर्वर गत किसी दिन तेज से गाँव को जाइल शारदा घर पाखक जाइल घर पाख रु ग्राउंड जीरो रु आम चित्र देखाइल विभिन्न जो गुरुतर मान अच्छा जार जो मानक अंग प्रत्यंग काटि दि जाकर चित्र देखाइल ता परवर्त समय जिला प्रशासनिक अधिकारी हूँ बा राजनैतिक दल हूँ समस्त मत से गाँव गाँव को सुअ छुटी ता परवर्त समय शारदा चित्र देखा मिली बर्तमान 1,60,000 टंकर कृत्रिम गोड़ लगे एवं सबुठ गुरुत्वपूर्ण कथ हूँ गत काली अणा जाकि जो भाव में जो से गोड़ लग जा लग जा 1,60,000 टाँग जिते गोड़ लगला प्रथम ठिया करा परवर्त समय केमती से चलिए जो ट्रेनिंग दिजिव से ट्रेनिंग कैंप को त्वरान्वित कर गोटे मस पर से चलिए आम पाखे जहाँ सूचना रही सब गुरुत्वपूर्ण कथा हूँ जो गोड़ी लगी निश्चित भाव वर्तमान समय से ठिया हो पार्टी किंतु चलवाटा कष्टकर हो पड़ी से अभ्यास करने पड़े आउ गोटे कथा मनस्तत्वित निकट निकटे रोचर जो भाव में जमती की मस्तिष्क किसी प्रभाव न पड़े से कृत्रिम गोड़ मिली ग्राउंड जीरो को बारंबार से खबर प्रसारण करसारण बर्तमान चेई उठी प्रशासन एवं कृत्रिम गोड़ दे सब बड़ कथा शारदा प्रतिक्रिया कौन आसुच्छे से 1 वर्ष पर कृत्रिम गोड़ पाई निश्चित भाव विस्मी प्रथम रु हि जिते बेला प्रतिक्रिया नहीं थिले से कहते जे गोटे वर्ष बीती गला मो पाखक कही आसिले कहीं सरकारी अधिकारी हूँ विभाग मंत्री हूँ विभाग अधिकारी मैंने बारंबार जिते बेले घटना घटीला मो गांव को आसुले मो घर को आसुले किंतु वर्तमान गोटे वर्ष बीती गला कहीं आसिले जहाँ गोटे दुखर विषय केतेबेले मते गोड़ दुईटी मिलबो कहीं सरकार मते प्रतिश्रुति देते कि प्रतिश्रुति मो प्रसारण हो जाता परवर्त समय जिते बड़े गणमाध्यम खबर प्रसारण है प्रसारण होगा पर जिला प्रशासन आम प्रतिक्रिया नापी प्रतिक्रिया नहीं जिला प्रशासनिक अधिकारी मान जाते से भिन्नक्षम सर्टिफिकेट टे मिल ना सर्टिफिकेट टे मिलला जिते गत काली गोड़ लगे अणा जाता अणा परवर्त समय
ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପରିବାର ସହିତ ଆମେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ ଫୋନ ଯୋଗେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଆମକୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ନିଜର କାମ ନୀତି ବ୍ୟବହାର କାମ ମଧ୍ୟ ସେ କରିପାରୁନଥିଲେ, ଗୋଡ ଦୁଇଟି ଲାଗିଲେ ଅନ୍ତଃ ସେ ଚଳପ୍ରଚଳ ହୋଇପାରିବେ, ଯାହା କାହା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବୋଝ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥିଲା। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଶା କରିବା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ 2-3 ଦିନ ଟ୍ରେନିଂ ବନ୍ଦ ରହିବ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ମାସ ପୁରା ଟ୍ରେନିଂ ରହିବ, ଟ୍ରେନିଂ ପରେ ସାରଦା ଚାଲିବେ, ଚାଲିଲା ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡିବ ଯେ ସେଇ ଗୋଡ କେତେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବ, କାହିଁକି ନା କୃତ୍ରିମ ଗୋଡ ଯେହେତୁ ଲାଗିଛି। ତ ଆଶା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଚେତିଲା ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆଖି ଖୋଲିଛି ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସାରଦାକୁ କୃତ୍ରିମ ଗୋଡ ଦେବାରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ଅନ୍ୟ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କଣ କରୁଛି, କଣ ସହାୟତା ହେଉଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ରହିଛି। ବିଷ୍ଣୁ ନିହାତି ପିତାମ୍ବର, ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି କି ଡି ସାରଦା ରେଡ୍ଡିଙ୍କ କୃତ୍ରିମ ଗୋଡ ମିଳିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଠିଆ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ମାସର ଅଭ୍ୟାସ ପରେ ସେ ଚାଲିବେ ବୋଲି ଯାହା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପିତାମ୍ବର ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ।